तो इस वक्त मैं अपने घर का टेरेस पे जा रहा हूँ। आपको कुछ नज़ारे वज़ारे दिखाऊंगा। अब देख लेने, सभी चावल का खेती है मेरे घर। ये है मेरा घर अपना नजर आता हुआ, सब धान खेती है चावल का। चलिए चलते हैं टेरेस पे, यानी कि छत पे। छत से आपको दिखाते हैं हमारे घर का नज़ारा वज़ारा। देख लीजिए, निहार लीजिए, यही है टेरेंस जो छत का ऊपर है। ये भगोड़ी का पेड़ है, काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी मीठा है, जो कि अब सीजन नहीं है, जिसके लिए ये फूल फूल नहीं रहा है। कुछ इस तरह की परिस्थिति है हमारे घर के ऊपर का टेरेंस है। जो शाम का वक्त है, अभी नहलाया धोलाया तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है मेरे को, तो सोचा क्यों ना टेरेंस पे जा करके आपको कुछ खेती बाड़ी दिखाया जाए। देखिए मेरा घर यही है, एकदम घर से सटा हुआ है, जो कि धान चावल का खेती है। ये हम लोग का है, जो कि अब जितना भी बया हुआ जो दिख रहा है, लगाया हुआ धान का जो पुली दिख रहा होगा आपको, ये सभी हमारे हैं। और जो जो नहीं किया हुआ है, ये सब अब होने वाला है। मतलब हम लोग थोड़ा एडवांस है, मतलब तो यही है सूरत हाल है। के सामने छत से एकदम लगा हुआ सटा हुआ बहुत बड़ा सा एरिया है चावल का खेती का, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। शर्ट का कलर जो सही नहीं है, अपने को मैच नहीं कर रहा है, तो भी ये भी एक समस्या है, क्योंकि जल्दीबाजी में हमारे को लेना पड़ गया 300 किया से। पसंद था नहीं, मगर आने का वक्त होता है ना सभी का यही हाल, कि भाई क्या लूँ, क्या पहनूँ, क्या नहीं, कुछ घुमा फिरा कुछ पसंद नहीं आता, ले भी नहीं सकते। तो ये अपना चिमनी दिख रहा होगा, ये अंदर में नीचे में मतलब आग जलाया हुआ है, ठीक है। तो यही परिस्थिति है। और घर का सामने से, हमारा घर का सामने ये घर है, घर से सीधा सामने से ये सीधा। तो ये सब कुछ नज़ारे वज़ारे हैं, कुछ चीज़ें हैं दिखा रहा हूँ आपको। अब भी देखिए, लेकिन हमारा घर गांव में, हमारा घर में बहुत सारा पेड़ पौधा है, जैसे कि आम का पेड़ और काफ़ी सारे पेड़ हैं, पेड़ों का मिक्सअप है, जो कि मैं नहीं जानता। ज़्यादातर आम दिख रहा है मेरे को, और काट उट के लिए जामुन का भी है, सभी है, कटहल का है एक फ्रूट, और बेम्बूस तो बहुत सारा है हमारा घर में। ये देखिए चिमनी, जो कि अंदर से कुछ पकाया उगाया जा रहा होगा, इससे धुआं निकलता हुआ। कोल का पेड़ मिलेगा, तांबुल पुली तो बहुत सारा है, ये जामुन का है, ये कटहल का है। तो अपने घर से ठीक सामने, और कोल का तो पूछिए मत, बहुत सारा है। वो अपने घर से ठीक सामने ये देखिए धान का खेती है, बहुत सारा है चावल का खेती जो है। आपको जहाँ तक नज़र दौड़ेगी, जहाँ तक आपको दिखाई देगी, सभी ही चावल का खेती है, ठीक है दोस्तों। कोशिश रहेगी मेरा, क्योंकि मैं ये सब बनाता रहता हूँ, तो सोचा गाँव जब आया ही हूँ तो मौका मिले तो थोड़ा सा एक झलकी आपके सामने रख लूँ। बरसात के दिनों में ये खेती वगैरह होता है, जैसे कि पानी सीजन जो होता है ना, बारिश का मौसम में ये सब खेती किया जाता है। हालांकि जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए फार्मर जो है अपना खेत जोतते हुए, ये भी एक फार्मर है अपने ज़मीन को, मतलब खेती के उपयोगी के लिए बनाते हुए। काफ़ी दूर तक मेरा मोबाइल जूम कर लेता है यार, ऐसे करीब किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन जूम करके ले आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, मैं जब इधर हूँ तो गांव आया हुआ हूँ, तो क्यों ना आपको भी थोड़ा सा गांव का सैर करा था। चलो देखिए, सब सारी बहुत सारा हमारा अच्छा अच्छा पेड़ों का मैंने कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया सा है। भगोड़ी बागान तो 3-4 है अपने घर में, कटहल है, आम है, बहुत सारी चीज़ों का है मतलब। तो यही सब है सूरत हाल। तांबुल का जो पेड़ है, ये बहुत सारा है अपने घर में, ये देखिए तांबुल लगा हुआ है, बहुत सारा है तांबुलों का। तांबुल सब मिक्स है, मतलब सभी पेड़ है, तांबुल सांबुल सब बीच बीच में है। तो यही सब एंड कर लेता हूँ यार, काफ़ी लंबा हो गई।